रिलेशनशिप इसलिए ख़त्म हुआ था क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की थी जो कि करने के लायक नहीं थी। 3 मंथ्स पहले हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, तो 3 मंथ्स बाद ही सुसाइड क्यों हुआ है? होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, हम भी साथ हैं। वे भी जो बोल रहे हैं कि ऐसी थी लड़की वैसी थी, वो भी पढ़े लिखे अनपढ़ है मेरी तरफ से, उनके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तो यही होता कि वो अनपढ़ ही रहते। पॉकेट से मिले थे सुसाइड के बाद, पुलिस ने उनकी पॉकेट से निकाल के दिए थे। ये खुद देख लो आप, तावीज़ से ये देख लो, तावीज़ ही कहते हैं शायद इनको, ये कुछ तावीज़ हैं जो उनकी पॉकेट से मिले। ये देखो, मैं कहीं ना कहीं यही कहना चाहूँगी कि उनके पेरेंट्स ने उनको गलत गाइड किया। लड़के वालों ने भी यही बोला है कि इंसाफ होना चाहिए। मैं भी ये बोलता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए। जो पुलिस हमें कहेगी पूरा हम तावन करेंगे पुलिस। गुज़श्ता कल हमने आपको एक सुसाइड केस की खबर दिखाई थी, और जिस शख्स ने सुसाइड किया था उनका नाम उपिंदर सिंह था। उनका ये इल्ज़ाम था कि उसके जो परिवार वाले थे उनका ये इल्ज़ाम था कि हमारे बेटे ने खुदकशी की, और इसकी वजह उनने ये बताई थी कि हमने इंगेजमेंट की थी अपने बेटे की, वो इंगेजमेंट टूट गई जिसकी वजह से हमारे बेटे ने खुदकशी की। अब जिस परिवार पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, आज वो परिवार हमारे साथ है, वो लड़की हमारे साथ है जिसकी उनके साथ इंगेजमेंट हुई थी। इनका नाम जसविंदर कौर है, इनके वालिद साहब भी हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था ये पूरा मामला और क्यों इन पर इस तरह के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा क्या वजह बनी, क्यों उन्होंने सुसाइड किया? ये तो हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमारी रिलेशनशिप को ख़त्म हुए 3 मंथ्स हो गए हैं। तो हमारा रिलेशनशिप इसलिए ख़त्म हुआ था क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की थी जो कि करने के लायक नहीं थी। उन्होंने हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स के बारे में बहुत बातें बोली थी जो कि बताने के लायक भी नहीं है इस टाइम। तो उस टाइम हमने इन्होंने फर्स्ट टाइम हमसे माफ़ी मांगी कि इनके पेरेंट्स ने आके हमसे माफ़ी मांगी कि आप एक मौका दे दो, आगे से कोई ऐसी बात होगी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फर्स्ट टाइम हमने इनको माफ़ कर दिया, सेकेंड टाइम इन्होंने फिर वही मिस्टेक की। मुझे पता है इनमें इनके पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, गलती लड़के की थी। तो लड़के ने सेकंड टाइम फिर यही काम किया, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो अब कुछ हुआ तो अब हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम खुद ही ख़त्म कर देंगे। थर्ड टाइम जब उन्होंने फिर से बातें करने स्टार्ट कर दी बाहर सबसे, मेरे पेरेंट्स के रिलेटेड, मेरी दीदी जीजू के रिलेटेड, मेरे मामू मामी के रिलेटेड, तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने इनको साफ मना कर दिया कि मेरे को ये एंगेजमेंट नहीं रखनी, मुझे ये रिश्ता नहीं रखना। जब आपका रिश्ता हुआ तो मर्ज़ी से हुआ था ये रिश्ता? सबकी रजामंदी से हुआ था, पेरेंट्स की सबकी रजामंदी से हुआ था। तो जब 3 मंथ्स पहले हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, तो 3 मंथ्स बाद ही सुसाइड क्यों हुआ है? होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, हम भी साथ हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं गलती उनके पेरेंट्स की है, उन्होंने गलत रास्ते पे उनको रखा। मतलब तांत्रिक के पास जाना, ये चीज़ें मिलनी उनके पास, जिसमें कुछ तावीज़ वगैरह है आपको दिखाएंगे हम, ये कुछ तावीज़ वगैरह, ये कहाँ से मिले थे आप? ये उनके पॉकेट से मिले थे सुसाइड के बाद, पुलिस ने उनकी पॉकेट से निकाल के दिए थे। ये खुद देख लो आप, तावीज़ से ये देख लो, तावीज़ ही कहते हैं शायद इनको, ये कुछ तावीज़ हैं जो उनकी पॉकेट से मिले। ये देखो, मैं कहीं ना कहीं यही कहना चाहूँगी कि उनके पेरेंट्स ने उनको गलत गाइड किया, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी मानते थे इनको। अगर हम गुरुद्वारे में रह रहे हो तुम, तो तुम गॉड पे बिलीव करो, तुम और बातों पे क्यों बिलीव करो? मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे भी जांच होनी चाहिए। लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? 3 मंथ पहले हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, उसके बाद हमारा कोई रिलेशन नहीं था, हमारी कोई बात नहीं हुई उसके बाद। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जिस तांत्रिक के पास ये जाते थे उससे भी बात की जाए, और अप्रोच तो कर सकते हैं वो, क्योंकि वो जिसके पास जाते थे वो बता देंगे किस आदमी के पास जाते थे, ये जो तावीज़ वगैरह बनाना, ये जो टूने वगैरह करना, ये हम तो इन पर विश्वास करते नहीं हैं। हम गुरुद्वारे में रहते हैं, हमारा गुरु तो वो एक ही है, क्योंकि हम दूसरे किसी के को नहीं मानते। अपना धर्म को मानो, अपने इष्ट को मानो, ये हिंदू का फ़र्ज़ है अपने धर्म को मानना, मुसलमान का अपने धर्म को मानना, सभी को अधिकार है, लेकिन विश्वास भी होना चाहिए अपने धर्म पर। तो हम तो इन चीज़ों पर विश्वास करते नहीं हैं, लेकिन ये किस किस के पास जाते रहे ये तो हम नहीं बता सकते। हमें जो चीज़ें मिली हैं वो आपके सामने रख दी हैं। उनका ये कहना था कि उनको अपने कमरे में बुलाया गया, लास्ट टाइम उनको अपने कमरे में बुलाया गया, और उनका ये नहीं है कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सुसाइड नहीं है, उन्होंने कहा कि मर्डर है, क्योंकि हमें देर से बताया गया, तकरीबन वो उसकी जो डेथ हुई थी रात को ही हुई थी, हमें सुबह 10 बजे बताया। सर ये बात जो है
जो ये बोल रहे हैं कि हमने उनको उस लड़के को बुलाया था ऊपर, वो तो हमारे पास प्रूफ है, पीडीएफ हमने निकाली हुई है, वो मेरे पास है कि हमने उस लड़के की कॉल रिसीव की हुई है, उसने खुद फ़ोन किया था हमें कि मैं आपके कमरे में आना चाहता हूँ, आपसे बात करनी है। ये सुसाइड से कितने दिन पहले की बात? एक दिन पहले, वो टाइम लिखा हुआ है 10:28 का पर इसने फ़ोन किया मुझे, तो मुझे बोलने लगा मैं आपसे नहीं बात करूँगा, मैं आंटी से बात करूँगा। आंटी को बोलने लगा कि आंटी मैं आपके कमरे में आऊँ अगर आप बोलो तो। तो इसने बोला कि कोई बात नहीं, आओ कमरे में, आपको किसने मना किया कमरे में आने के लिए। तो ये आया तो फिर मुझे कहने लगा, अंकल जो एंगेजमेंट की थी उसके बारे में आपने क्या सोचा है? मैंने कहा वो तो 3 महीने पहले टूट गई थी, आज तुझे कहाँ से याद आया? हमने तो 3 महीने पहले तेरे माँ बाप को भी, तुझे भी, सभी को बता दिया था कि हमने ये शादी नहीं करनी, साफ क्लियर कट कह दिया था कि नहीं करनी। तो अब 3 महीने के बाद तुझे नहीं, मुझे, मेरे पास लड़के के खिलाफ बहुत सबूत हैं, मेरे पास प्रूफ हैं, ये ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ, ब्लैकमेलिंग, वो ब्लैकमेलिंग में ही आ गया। तो मैंने बोला कि तू ऐसे कर, मुझे बता जो सबूत हैं लड़की के पास खिलाफ, तेरे पास हैं सबूत हैं, मुझे, मेरे सामने कर, मुझे दे दे। बोलने लगा आपको दिखाने वाले नहीं है। मैंने कहा अगर मुझे दिखाने वाले नहीं है ना, तो तू लड़की के सामने, लड़की आएगी कॉलेज से तो उसके सामने तू ऊपर आना कमरे में, तो आकर बात कर लेना था। फिर मेरी बीबी को अलग जाके बोलने लगा कि इसको नहीं बताना, जो मैंने बातें की हैं इसको नहीं बताना। ये बात कहने का क्या मतलब था कि हम अपने पास बातें रखें, इसको नहीं बताएं, क्योंकि हमारा तो फ़र्ज़ बनता है माँ बाप का कि बेटे का किस रास्ते पर जा रहे हैं। आज हमें वहाँ भी गुरुद्वारे में बदनाम किया जा रहा है कि लड़की की इतनी गंदी फ़ोटो डाली हुई हैं, उसने कैसे डाली हैं, ये फ़ोटो कहाँ पर डाली हैं उन्होंने? उसने फेसबुक में डाली हैं फ़ोटो, वो ये कब की बात है, कब उन्होंने फेसबुक पर फोटोज सोसाइट के कुछ टाइम पहले की डाली हैं। तो क्यों, मतलब कि क्यों डाली हैं वो फोटोज? आपकी हैं वो फोटोज? मेरी नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर वो फोटोज मेरी होती तो मैं डरती कि नहीं मेरी फोटोज हैं वो। वो मेरी फोटोज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो यही बोलूंगी कि इस पे भी इन्वेस्टिगेशन। लड़की हमसे कह रही है कि मैंने किसी फौजी से शादी करनी है, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसी कौन सी, मतलब उनके पास क्या प्रूफ है कि हमने बोला? उन्होंने हमारे दीदी जीजू पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आए थे, उन्होंने जबरदस्ती बोला कि उनको, उसको ऊपर बुलाया कि तू आ, और हमने नहीं करनी। आपने जब वो आपको ब्लैकमेल कर रहे थे, आपने कभी पुलिस कंप्लेंट करने की? मैंने बहुत कोशिश की पुलिस कंप्लेंट करने के लिए। मैंने 3 दिन पहले भी इनको कहा कि मुझे कंप्लेंट करनी है, इन्होंने कहा नहीं। क्योंकि हमारी जब एंगेजमेंट टूटी थी तो उसके बाद भी इन्होंने उसके पेरेंट्स के सामने क्या कहा था कि हम पुलिस में एक बार रिपोर्ट कर देंगे ताकि कल को अगर आपके लड़के को कुछ हो जाता है तो हम जिम्मेवार नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि आप, हम अपने लड़के को खुद संभाल लेंगे, आप पुलिस रिपोर्ट मत करो, इससे आपकी भी बदनामी होगी, हमारी भी बदनामी होगी। तो आप बताओ ना, अब बदनामी कम हो रही है? अब जो आसपास के लोग हैं वो पिक्स देख के बोल रहे हैं कि उनके ही घर के आसपास के कि लड़की ऐसी थी वैसी थी। मतलब तुम्हारे पढ़े लिखे होने के बाद भी मैं कहूँगी कि वो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, जब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये पिक्स रियल हैं या फेक हैं। उनके घर में भी माँ होगी, बेटी होगी, आगे उनकी बहन होगी। जब तक उनके पास जब तक प्रूफ नहीं है कि मैं हूँ, वो कैसे किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि वो पिक्स मेरी हैं? अब आप क्या डिमांड करती हैं, क्योंकि इल्ज़ाम आप पर आयद किए गए हैं कि उन्हीं की वजह से ये सारा हो? जी बिल्कुल, अगर वो मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आज हमारे गुरुद्वारे में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं कि आपकी लड़की ऐसी थी। मैं कहती हूँ कि जम्मू में भी पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। आज इतनी एजुकेशन के बाद अगर वो ऐसी बातों पे बिलीव करते हैं तो मैं खुद बोलती हूँ कि जिसको बात करनी है मेरे साथ आए, मेरे पास आके बात करे, मेरे से पर्सनली बात करे। अगर मैं यही कहूँगी कि आजकल जो यहाँ पे भी जो बोल रहे हैं कि ऐसी थी लड़की वैसी थी, वो भी पढ़े लिखे अनपढ़ है, मेरी तरफ से उनके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तो यही होता कि वो अनपढ़ ही रहते। क्या क्या मांग करते हैं बाबा? मैं तो मांग करता हूँ सर कि लड़के वालों ने भी यही बोला है कि इंसाफ होना चाहिए। मैं भी ये बोलता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए। जो पुलिस हमें कहेगी पूरा हम तावन करेंगे पुलिस के साथ, जो भी हमें वो पूछेंगे उसका जवाब देंगे, सारी बातें बताएंगे जो भी हमारे बीच बातें हुई हैं। हाँ, एक जिस दिन ये इसने सुसाइड किया है उससे एक दिन पहले जो आया था हमारे घर पर, तो उस वक्त जब मुझे बोलने लगा कि मेरी बुआ है कोई उधर नौनियाल में ही रहती है, तो आपके साथ कभी अनबन रहती थी उसकी, मतलब नहीं, झगड़ा नहीं, नहीं नहीं, वो बेटू के साथ तरह हमारे साथ ही वो बिहेव करता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने कभी सोचा नहीं था कि इसका नेचर होगा। जब शादी के लिए हमने मना किया तो भी हमारे साथ ऐसे ही बोलता रहा, वो कभी नहीं नाराज़ हुआ हमारे साथ।
तो वो तो गुरुद्वारे में वैसे भी जो हम स्टाफ के काम करते हैं, स्टाफ को तो एक दूसरे की बात सुननी पड़ती है, वो एक दूसरे के साथ रूठ के तो काम हो नहीं सकता। ये तो कॉमन काम होते हैं, ये तो हमारी ड्यूटी है। हम किसी के साथ जो है वो ऐसे बोले बिना नहीं रह सकते, वो तो बोलना ही पड़ता है एक दूसरे के पास। लेकिन फिर भी उसका नेचर ऐसा नहीं था, लेकिन उसने कोई शिकायत भी नहीं कभी की कि मुझे आपने मना कर दिया शादी के लिए। तीन महीने वो बिल्कुल खामोश रहा। तो तीन महीने के बाद उसने सुसाइड करने के बाद एक दिन पहले हमें फ़ोन किया, कमरे में आया, बोलने लगा मेरी बुआ एक उसको वो मुझे बोल रही थी कि मेरी लड़की के साथ तू शादी कर ले, तो मैंने अपनी बुआ को मना कर दिया, मैं तेरी लड़की के साथ शादी नहीं करूँगा, मैं जसपिंदर के साथ शादी करूँगा। जब वो बोलता था कि यही हमें बताने आया था कि मेरी बुआ मेरे घर पर आई है, दो चार दिन पहले घर पर आई है, मिठाई का डब्बा लेकर आई है मुझे मुबारक देने के लिए कि तूने मेरी लड़की से शादी नहीं की थी, तो अब शादी की है तूने, तो ये मैं तुझे मुबारक देने के लिए, तुझे गिफ्ट देने के लिए आई हूँ, ये मिठाई का डब्बा जो इसलिए लेकर मैं तेरे घर पर आई हूँ। एक ये कारण नहीं हो सकता है। और भी बोल रहा था कि मुझे लोग आगे अपने आगे पीछे और बाकी भी लोग ताना मीना मारते हैं कि तू पहले ऐसे करता था ऐसे करता था, तो अब तू तेरी और रिश्तेदारी कहाँ गई। तो ये तो चलो उसकी जो मेंटली समझो वैसे ही था जो बातें करता था। तो दूसरा उसको कुछ दिनों से जो देखते थे हम के तीन चार दिन बाद घर पर चला जाता था, हमें नहीं बताता था मैं कहाँ जा रहा हूँ, बोलता था कभी अखनूर जा रहा हूँ, ये जहाँ जा रहा हूँ, तो कहीं घर पर जाता था, माँ बाप के घर पर भी नहीं जाता था, पता नहीं किसी सियाने आदमी के पास जाता था, यही तबीयत वगैरह बनाने के लिए जाता था, क्या करता था ये तो वही जाने, या उसके माँ बाप भी जाते थे, उसके माँ बाप भी जाते हैं ऐसे लोगों के पास जो कि एक दूसरे के घर तोड़ने के काम ही करते हैं। तो ये तबीयत वगैरह जो बनाए हुए हैं ये उन्हीं लोगों के बने हुए हैं। तो उसने रीज़न ये तो हमें एक रीज़न तो यही लगता है कि उसकी बुआ ने उसके घर पर जाकर मिठाई का डब्बा दिया तो उसको मुबारक दी, हो सकता है उसी सोच को लेकर उसने खुदकुशी की हो, या एक बार दो पाँच छः दिन पहले उसने ये भी किसी आदमी से बोला है कि मेरे से किसी ने आदमी ने 6 लाख रुपया उधार दिया लिया था किसी रिश्तेदार ने, तो उसने वापस नहीं किया तो मुझे माँ बाप रोज़ डांटते हैं कि तूने पैसे कहाँ छोड़े हैं, कहाँ पैसे हैं, तेरी शादी करानी थी, हमने घर के काम और चलाने थे, मकान बनाना था, तो पैसे कहाँ गए हैं, तूने पैसे कहाँ छोड़े। तो उन्होंने घर माँ बाप ने भी प्रेशर डाला हुआ था इस पर पैसे के लिए, तो पैसे से भी वो जो था वो डिप्रेशन में था कि क्या मसला है। लेकिन मैं जब एक दो बार उसने मुझे बोला भी था कि पैसे के लिए कोई दिक्कत है, मैंने उसके अकाउंट में एक दो बार पैसे भी डाले हैं, 10-10 हज़ार रुपया मैंने डाला है, वो तो प्रूफ होगा। जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी, मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मैरिज एनिवर्सरी के बाद में मुझे डेट का पता नहीं है, मैंने कुछ मैरिज एनिवर्सरी के बाद 8-10 दिन के बाद मैंने उसके अकाउंट में 10 हज़ार रुपया डाला था, तो मैंने उसको पर्ची दे दी थी, मैंने कहा भूपिंदर सिंह मैंने तेरे अकाउंट में 10 हज़ार रुपया डाला है, तो ये पर्ची ले ले, तो चेक कर लेना वो तेरे अकाउंट में आया या नहीं आया। तो उसने पर्ची ले ली, कोई बात नहीं, मैंने कहा तू ऐसे चलो, तो आपके साथ वो अच्छी तरह से रहता, बिल्कुल अच्छी तरह से रहता था। ये जो भी उसने जो ये काम किया है, एक तो गुरुद्वारे को बदनाम करने के लिए, दूसरा हमें बदनाम करने के लिए, कारण उसका घर का था, जो रोज़ घर चला जाता था, कोई कारण ही हुआ होगा। रोज़ घर जाने का मतलब क्या था, गुरुद्वारा यहाँ से देखो 130 किलोमीटर नौशहरा है, कितना किराया लगता है, 7 हज़ार रुपया उसकी तनख्वाह थी, तो अगर हफ्ते में 3 बार वो कैसे जाता था, खर्चा भी होता था, क्यों जाता था, कोई घर में ही प्रॉब्लम हुई होगी इसीलिए जाता था। ये तो घर की बातें वही जाने हैं जो ज़्यादा, तो उसको माँ बाप जानते होंगे, जाओ तो उसको पता हुआ होगा, अब उससे कौन पूछने के लिए जाएगा, कम से कम माँ बाप से तो पता लग जाएगा, उनसे पूछो भाई क्या क्यों आपने प्रेशर डाला हुआ था उस पर। साफ तौर पर इन लोगों का भी यही कहना है कि इस मामले की जाँच होनी चाहिए ताकि दोनों परिवारों को इंसाफ मिल सके, क्योंकि इस परिवार की भी काफ़ी बदनामी हुई है। जैसा कि जसविंदर कौर जी ने कहा कि मेरी कुछ पिक्स सोशल मीडिया पर अपलोड की गई हैं जो कि मेरी पिक्स हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि वो भूपिंदर सिंह किस डिप्रेशन का शिकार थे, कौन सी बात ऐसी थी जिसकी वजह से उन्हें खुदकशी करनी पड़ी, जिस परिवार पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे उस परिवार के साथ भी कोई अनबन नहीं थी, परिवार के साथ भी अच्छी तरह से उनका तालमेल था,
फिर भी उन्हें सुसाइड क्यों करना पड़ा, क्या वजह बनी। ये लोग भी ये चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोनों परिवारों को इंसाफ मिल सके, ये परिवार बदनामी से बच सके और उस परिवार को भी इंसाफ मिले। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।